गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा सालवी. टुडे माई टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स टर्म्स. आज हम जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स आती है. फर्स्ट टर्म, जीन. जीन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है एंड जीन के टाइप्स क्या है, आज हम देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं जीन. ए जीन इज़ ए स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन. अर्थात डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है, या हम कह सकते हैं डीएनए का कि वह सीक्वेंस या वह स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें प्रोटीन निर्माण करने की सूचना उपस्थित होती है, जीन कहलाती है. तथा जीन को हम वंशागति की इकाई भी कहते हैं, अर्थात यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज ए जीन. अर्थात जीन को हम हेरिडिटी की इकाई भी कहते हैं या वंशागति की इकाई भी कहते हैं. जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया और इन जीन को मेंडल ने एलिमेंट कहा गया. अर्थात जीन को मेंडल के द्वारा एलिमेंट कहा या कारक कहा गया था. इन कारों को या इन एलिमेंट को जॉनसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया. अर्थात जीन क्या होता है, डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन निर्माण की सूचना उपस्थित होती है, हम जीन कहते हैं. टाइप ऑफ जीन, जीन के हम टाइप्स देखेंगे. टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट प्रोकैरियोटिक जीन, सेकंड यूकैरियोटिक जीन. प्रोकैरियोटिक जीन विच कैन सी इन प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा. प्रोकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखे जाते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन कहा जाता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एम अदर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अर्थात प्रोकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीवों में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, हम उनको प्रोकैरियोटिक जीन कहते हैं. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट यूकैरियोटिक जीन. यूकैरियोटिक जीन विच इज सीन इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज ए प्लांट, एनिमल एसेट्रा. यूकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो यूकैरियोटिक जीवों में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, हम यूकैरियोटिक जीन कहते हैं. अर्थात यूकैरियोटिक जीन जो होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, जैसे प्लांट हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए आदि में यूकैरियोटिक जीन प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक जीन एंड यूकैरियोटिक जीन. प्रोकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं एंड यूकैरियोटिक जीन वे जीन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट टाइप, टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन एक्टिविटी. जीन की एक्टिविटी के बेस पे या उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जीन को हम बांटेंगे. फर्स्ट टाइप है हाउसकीपिंग जीन एंड सेकंड है स्पेसिफिक जीन. फर्स्ट हम देखेंगे हाउसकीपिंग जीन. जीन विच आर ऑलवेज एक्टिव. अर्थात ऐसे जीन जो सदैव क्रियाशील रहते हैं या ये अपना प्रोडक्ट कंटिन्यू बनाते रहते हैं, यानी इन जीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सेल में कंटिन्यू बनता है, तो इस टाइप के जीन को हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसे जीन जो सदैव क्रियाशील रहते हैं, अर्थात इनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो हमेशा होता रहता है. कोशिका के अंदर ऐसे जीन का जिनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हमेशा बनता होता रहता है, ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं. क्योंकि इन जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी आवश्यकताएं कोशिकाओं को हमेशा रहती है, इसलिए ये जीन जो होते हैं कंटिन्यू एक्टिव या सदैव एक्टिव रहते हैं. एग्जाम्पल एटीपेस एंजाइम की जीन एंड ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम की जीन. ये जीन जैसे एटीपेस एंजाइम की जीन एंड ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम की जीन जो जिसकी आवश्यकता कोशिकाओं को हमेशा रहती है, इसलिए ये जीन जो होते हैं वो सदैव एक्टिव रहते हैं और इनके प्रोडक्ट कंटिन्यू बनते रहते हैं तथा कोशिकाओं को ये अपने प्रोडक्ट देते हैं.
इस तरह से हमने देखा कि हाउसकीपिंग जीन वे जीन होते हैं जो ऑलवेज एक्टिव होते हैं, एंड इनके एग्जांपल हमने बताए एटीपेस एंजाइम की जीन एंड ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम की जीन। नेक्स्ट स्पेसिफिक जीन। स्पेसिफिक जीन दोज जीन विच आर गेटिंग ऑन एक्टिव ओनली ड्यूरिंग सम स्पेशल कंडीशन। ऐसे जीन जो सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन में ही ये एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन जीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी आवश्यकता कोशिकाओं को हमेशा नहीं रहती है। ये कभी कभी स्पेशल कंडीशन में ही इन जीन की प्रोडक्ट की आवश्यकता रहती है, या इन जीन के जो उत्पाद बनते हैं उनको कोशिकाओं को जो आवश्यकता होती है वो कभी कभी रहती है, इसलिए ये सम स्पेशल कंडीशन में ही एक्टिव रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यह जीन सदैव क्रियाशील नहीं रहती है, अर्थात जो कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार सक्रिय होती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं लेक ऑपेरन की जीन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरन की जीन आदि जीन जो कि स्पेसिफिक जीन का एग्जांपल है। इस तरह से हमने टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन एक्टिविटी भी देखा कि टू टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं, हाउसकीपिंग जीन एंड स्पेसिफिक जीन। हाउसकीपिंग जीन वे जीन होते हैं जो हमेशा ही क्रियाशील रहते हैं, एंड स्पेसिफिक जीन की ये जीन सदैव क्रियाशील नहीं रहते हैं तथा कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार ये क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है तथा हम इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे ये इस टर्म्स में देखेंगे। ए जीनोटाइप रेफर टू द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एंड एन फिनोटाइप रेफर टू द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। जीनोटाइप जो होते हैं वे लक्षण होते हैं जो प्राणी के जीनी संगठन को प्रदर्शित करते हैं, या हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या जेनेटिक करेक्टर्स को शो करते हैं। एंड फिनोटाइप जो होते हैं वो फिजिकल करेक्टर्स को शो करते हैं, अर्थात जीनोटाइप को हम जीन समष्टि भी कहते हैं एंड फिनोटाइप को लक्षण समष्टि भी कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप में हम करेक्टर्स देखेंगे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी एग्जांपल कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर एंड ब्लू आइज। जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप या लक्षण समष्टि वे लक्षण होते हैं जो बाह्य तौर पर प्रदर्शित होते हैं या बाहर से देखने से ही पता चलता है, जैसे शेप, साइज, कलर, उसका बिहेवियर, ये सारे फिनोटाइप में या फिजिकल करेक्टर्स होते हैं। अर्थात फिनोटाइप करेक्टर जो होता है उनका हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट या बाहरी तौर पे देखने से ही पता लगा सकते हैं, यानी कि हम उनको डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या है, क्योंकि ये बाहर से दिखाई देते हैं। तथा फिनोटाइप करेक्टर्स जो होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर कोई फिनोटाइप करेक्टर है तो उसके अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। जैसे प्लांट की हाइट की हम बात करते हैं तो प्लांट की हाइट जो होती है उसका फिनोटाइप ये है कि वो अगर लंबे हैं तो उनका जीनोटाइप जो होता है वो टू टाइप का हो सकता है। उसका फिनोटाइप कैपिटल टी है या हो सकता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो। तो इस तरह से फिनोटाइप करेक्टर वे करेक्टर होते हैं जो हम बाहर से या डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, देखने से ही पता लग जाता है, हम देख सकते हैं। तथा एक जो फिनोटाइप करेक्टर्स होते हैं उनके दो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिनोटाइप में देखा कि फिनोटाइप जो होते हैं वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बाहर तौर से देख सकते हैं, एंड फिनोटाइप करेक्टर के अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे किसी के कर्ली हेयर्स हो गए, स्ट्रेट हेयर्स हो गए, ब्लू आइज हो गए, तो हम इनको बाहरी तौर पर देखने से पता चल जाता है या हम इन करेक्टर्स को देख सकते हैं, तो हम इसको फिनोटाइप करेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप कैन नॉट सी एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जीनोटाइप की जब हम बात करते हैं, जीनोटाइप
को हम बाहरी तौर पर या बाहर से हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी। जीनोटाइप को हम देख नहीं सकते, जीनोटाइप को देखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए उसका पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। अतः एक ही प्रकार की जीनोटाइप के लिए एक प्रकार का ही फिनोटाइप होता है। जिस तरह से हमने देखा कि एक फिनोटाइप के लिए अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के फिनोटाइप के लिए एक ही प्रकार का सॉरी एक ही प्रकार के जीनोटाइप के लिए एक ही प्रकार का फिनोटाइप होता है। अर्थात जो जीनोटाइप जो होते हैं वह किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक संगठन को शो करता है, एवं इसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। एंड एग्जांपल हमने देखा, जैसे प्लांट की हमने हाइट देखी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी जो होते हैं वो लंबे प्लांट को शो करते हैं, एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी जो होते हैं वो बोने प्लांट को बताएंगे कि उनका जीनोटाइप, बोने प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, एंड लंबे प्लांट जो होते हैं उनका जीनोटाइप जो होता है वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है। इस तरह से आज हमने इन्फॉर्मेशन जेनेटिक्स टर्म्स देखी, जिनमें हमने जीन के बारे में देखा एंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में पढ़ा कि जीन क्या होते हैं। कि जीन जो होता है डीएनए का वह भाग होता है जिसमें प्रोटीन के निर्माण की सूचनाएं उपस्थित होती है, हम उसको जीन कहते हैं। जीन के हमने प्रकार देखें, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक जीन, सेकंड यूकैरियोटिक जीन्स। प्रोकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, एंड यूकैरियोटिक जीन वे जीन होते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा जीन का टाइप्स, हाउसकीपिंग जीन एंड स्पेसिफिक जीन। हाउसकीपिंग जीन वे जीन होते हैं जो सदैव एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं को इन जीन की आवश्यकताएं सदैव बनी रहती है, या सदैव इनकी आवश्यकता होती है कोशिकाओं को। एंड स्पेसिफिक जीन, ये जीन सदैव क्रियाशील नहीं रहते हैं तथा कोशिका को जब आवश्यक होती है तभी ये जीन एक्टिव होते हैं। देन हमने नेक्स्ट देखा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप जिन वे करैक्टर जिनको हम देख सकते हैं, एंड एग्जांपल किसी कर्ली हेयर से, हाइट से, जो हम बाहरी तौर से देख सकते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। एंड जीनोटाइप जो होंगे, जीनोटाइप करैक्टर ऐसे करैक्टर होते हैं जिन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, अतः उनको देखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। अर्थात फिनोटाइप वे करैक्टर जिनको हम देख सकते हैं, एंड जीनोटाइप करैक्टर जिनको हम देख नहीं सकते हैं तथा उनको पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। तथा इस तरह से आज हमने जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा, सॉरी तीन इंपॉर्टेंट टर्म, जीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में पढ़ा। थैंक यू।